एक बड़ी प्यारी घटना जो ज्ञान देती है कि मांगना क्या है गुरु से। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अठारह सौ सत्तावन की बात है जब गदर हुआ था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हुई थी। अंग्रेज सरकार के पांव उखड़ने वाले ही थे भारत से, पर नहीं उखड़ पाए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कमाल की बात कहा करते थे। आपको पता है जब अंग्रेज सरकार का रूल था ना उनका, तो कोई भी किसी भी धर्म का कोई लिबास में इंसान हो, संत हो, किसी भी धर्म का भारत में, उससे किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं ली जाती थी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अंग्रेजों ने एक बड़ा नेक एक काम किया था, बड़े कमाल का, किसी संत किसी महापुरुष को कभी परेशान नहीं किया था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे इसीलिए 200 साल राज कर गए, अगर गलती कर बैठते बहुत जल्दी पांव उखड़ जाते। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। किसी संत कोई भी हो, ट्रेन में जा रहा है कोई टिकट नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जितने भी साधन हैं गवर्नमेंट की तरफ से सब फ्री, अगर वो लिबास में भी है तो, किसी संत के लिबास में। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उस वक्त फिर अंग्रेज सरकार ने जब गदर हट गया, बचाव हो गया, अंग्रेज सरकार के पांव नहीं उखड़े भारत से, तो उन्होंने ऐलान किया एक कि 24 घंटे के लिए जिन सैनिकों ने हमारी रक्षा की है भारतीय होते हुए, उन्होंने निभाया अपना फर्ज अंग्रेज सरकार के प्रति, बहुत जो ईमानदार थे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। 24 घंटों के लिए खोल दी जाती है, चाहे धन लूटो चाहे इज्जत लूटो जो मर्जी करो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जो भी लूट कर ले जाओ अपने घर में तुम्हारा, 24 घंटे के लिए अंग्रेज सरकार ने ये छूट दे दी थी, ये इतिहास है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और बहुत लूट मार हुई थी, बहुत कुछ हुआ था उस वक्त 24 घंटे में। उस समय की घटना है, एक सिख सैनिक, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सिख सैनिक जो अंग्रेज सरकार में था, सब जगह लूटपाट चल रही है, उसका मन उदास है, बंदूक कंधे पर है, सामान सब कुछ है, पर वो उदास है देखकर ये क्या हो रहा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बड़े दुखी मन से कहीं से गुजर रहा है, देखता है कि कुछ औरतें चिल्ला रही हैं, मुसलमान परिवार। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। क्योंकि कुछ सैनिक उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और दरवाजा तोड़ दिया है लगभग, और वो चिल्ला रहे हैं, हे गुरु नानक के सिख, खिड़की से, वो मुसलमान औरतें, हे गुरु नानक के सिख, तुझे तेरे पीर गुरु नानक का वास्ता, हमारी रक्षा कर। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सिख सैनिक ने आवाज सुनी, जब गुरु नानक का वास्ता कहा तो दौड़ कर गया वहां पर, अपनी बंदूक उतार ली और सर पर नली लगा दी जो वहां खड़े थे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कहने लगा, मुझे गुरु नानक का वास्ता दे दिया इसने, अब तो मैं रहूंगा या तुम रहोगे, चले जाओ यहाँ से। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तो वो आपस में कहने लगे, आपस में क्या लड़ना, दूसरे के घर में चले जाते हैं, वो लोग छोड़कर चले गए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। वो परिवार नीचे आया, मुसलमान औरतों का परिवार, कहने लगे हमारे जो घर वाले मर्द थे सब बाहर गए हुए हैं, ये सब हो गया, पता नहीं कब आएंगे, हमारी रक्षा करो, जाओ मत, पता नहीं कब कौन आ जाए। तो इस सैनिक ने कहा कि घबराओ मत, जब तक तुम्हारे मर्द घर में वापस नहीं आ जाते, जब तक ये माहौल ख़त्म नहीं हो जाता, 24 घंटे का समय है ये, मैं घर के दरवाजे के बाहर खड़ा रहूँगा पहरेदार बन के। तुमने गुरु नानक का वास्ता दिया है, कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है 24 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए ये सिख सैनिक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। समय ख़त्म हो गया 24 घंटे का, शांति हो गई और इनके परिवार के मर्द भी वापस आ गए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब इन सारी औरतों ने क्या किया, हम इसे क्या भेंटा दें, क्या दे सकते हैं, उन्होंने सारे अपने गहने उतारे और एक प्लेट में रख के इनके आगे किए कि आप ले लो, आपने हमारी इज्जत बचाई है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हम आपका देना नहीं दे सकते। उस सिख ने कहा कि मैं यहाँ पर गुरु नानक का वास्ता बेचने नहीं आया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। काश गुरु मेहर करे आज भी हैं ऐसे, पर पता है वजह क्या है? संत अतर सिंह जी मस्त होने वाले एक बात कहा करते थे, कहते थे ये जो गिरावट आई है ना कैरेक्टर में, हमारे कैरेक्टर में गिरावट आ चुकी है, हम अपने मन स्थिति पर कंट्रोल नहीं कर पाते, लालच दिखता है उस तरफ हो जाते हैं, हम हमेशा डोल जाते हैं। वजह है क्योंकि सिख से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई है, वो है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत वेला जिसके पास है ना, गुरु डोल नहीं देता, डोलनते राखो प्रभु नानक देकर हाथ, वो हमेशा सही डिसीजन लेगा जो अमृत ले उठता है, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नुकसान कर लेगा पर गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, पर नुकसान वो होता भी नहीं, गुरु नानक साथ में आ जाता है, नुकसान कहाँ से होना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है कि उसका नुकसान हो गया, वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि हमारी नज़र में नुकसान फ़ायदा है ही धन के हिसाब से, धन है तो फायदा है, धन नहीं है तो नुकसान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुषों की नज़रों में नाम का धन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा है ना, नाम धन दे, नाम का धन दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु का सिख कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहने लगा कुछ तो ले लो, आपने हमारी इतनी मदद की, सारा परिवार गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा अगर देना ही चाहते हो ना, एक काम कर दो, आप कहते हो सोना ले लो, सोना देकर अगर इज्जत लूट जाती तो इज्जत वापस नहीं आनी थी, इसकी कोई कीमत नहीं है, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अपने खुदा से एक दुआ मांगो मेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या दुआ मांगो? कि मेरी आखिरी श्वासों तक गुरु नानक से निभ जाए, कभी भी मुझे हर श्वास मेरा गुरु नानक कभी मुझे भूले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी यादों में बस जाए मेरा पीर, मेरा नानक। अपने अल्लाह से, अपने खुदा से मेरे लिए ये दुआ मांगो। तो उस परिवार ने उसी वक्त हाथ ऊपर करके दुआ मांगी, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम करम सिंह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही करम सिंह होती मर्दान वाले महापुरुष साध संगत जी जो पहले मिलिट्री में थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं कोई महापुरुष बन जाता, इतनी कमाई वाले संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले कि अगर एक पागल खाने में बैठ के आधा घंटा कीर्तन कर दिया तो पागल खाने सारे पागल ठीक हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाई कहाँ से शुरू होती है? नेक काम से। और मांगा क्या? वो सोना दे रहे हैं, सोना नहीं चाहिए, चाहते तो लूटपाट वो भी कर सकते थे, नहीं किए, सोना ठुकरा दिया कि मेरे लिए एक दुआ मांग दो कि मैं गुरु नानक को कभी भूलूं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती दात होगी उनकी नज़रों में, हमारे लिए जो है ही नहीं। वो जो गुरु अर्जन देव जी महाराज आप हमें मांगने के लिए कह रहे हैं, साबुद्ध दीजे जित विसरे नाही, मैं तुझे भूलूं ना, ये ज्ञान दे दे पाचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले कह लगे मेरा नाम करम है। कह लगे तुम्हारे नेक कर्म, तुम्हारा नाम भी करम, तुम पर खुदा का भी करम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस परिवार ने हाथ उठा के इबादत की, कहने लगे या खुदा अगर हमने कोई भी नेक काम जीवन में किया है, इस सिख को ये ज्ञान दे दे कि इसको कभी अपने पीर भूले ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो करम सिंह मिलिट्री वाले आगे चल के संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले बने। और आगे सुनिए कितना कुछ सहना पड़ता है सच्चाई पे चलने के बाद, ऐसे नहीं कोई संत बन जाता। जब घर में गए, माता बैग फोड़ने लगी, माता कपड़े निकालने लगे भी, सोना का है चांदी का, क्योंकि सारे आसपास जो रहते थे वो भी मिलिट्री में थे, वो सब अपने अपने घर में कोई सोना लेके आए, कोई मोती, कोई हीरे लूट के घरों को लेकर आए हैं। और इसकी माता फोड़ रही है, संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों की माता बैग फोड़ कर कि कहाँ है कोई सोना चांदी रुपये कुछ भी नहीं लाया तू? कहने लगी माता मैं गुरु नानक की सिक्खी बचा कर लाया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गुरु नानक का सिख हूँ, गुरु नानक की सिक्खी बचा के लाया हूँ, गुरु नानक की सिक्खी का भरोसा बचा के लाया हूँ, कोई धन दौलत नहीं। माता कहने लगी बहती गंगा में भी तू हाथ नहीं धो सका, निकल जा घर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए। इतिहास में लिखा है कि उस वक्त उन्होंने माता से कहा, माता आज के बाद तू मुझे नहीं देख पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस चीज़ के लिए तुझे शाबाशी देनी चाहिए थी, तू मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए कह रही है। मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख हूँ, गलत रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता, आज के बाद तू मुझे नहीं देखेगी। और उस दिन के बाद संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले कभी घर पर नहीं आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक।